समर्थन में उतरे नवम्बई के सरदार, मीलों तक बनाई मानव श्रृंखला। भारत बंद के समर्थन में उतरे नवम्बई के सरदार, मीलों तक बनाई मानव श्रृंखला। किसान कानून के खिलाफ नवम्बई के सिख समुदाय ने मोर्चा निकाला और भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान सुप्रीम काउंसिल ऑफ गुरुद्वारा और पंजाबी कल्चर एसोसिएशन के नेतृत्व में सैकड़ों सिखों ने वाशी के टोल प्लाजा से मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन किया। शाम 5 बजे प्रारंभ हुए इस आंदोलन में सिख समुदाय की महिलाओं के साथ ही मासूम बच्चे भी हाथों में बैनर थामे नजर आए। काला कानून रद्द करो, किसानों को न्याय दो, किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं जैसे नारों का बैनर थामे सैकड़ों सिखों ने मीलों तक मानव श्रृंखला बनाई और किसानों के लिए न्याय की मांग की। किसानों की सुनो, किसान है तो किसान है। आप प्रधानमंत्री हो। रोटेशन की बात करते हैं और ये सब चीजों जो बिल की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप कॉरपोरेट को अगर बीच में डालने की बात कर रहे हैं तो एक छोटा किसान, अगर आप एक कैलकुलेशन करें, 60% अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम से हमारी पॉपुलेशन चल रही है, तो एक जो छोटा किसान कई सालों से आज मरता आ रहा है, उसके मरने का कारण क्या है? यही है कि उसको वो दाम नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि किसान कभी दूध गिरा देते हैं, कभी कांदे और प्याज या आलू है या कई खेती है जो रोड पे गिर जाती है, उसका कारण यही है कि उसको वो दाम नहीं मिलता। और आप बोलते हैं कि MSP चालू है, MSP से कोई खतरा नहीं है, तो उसको वो दाम क्यों नहीं मिलता? और आपके अपने आंकड़े आपकी अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पर वो सही नहीं बता रही। तो ये जो गुमराह करने का काम गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें किसान को भी कर रही है और एक कॉमन मैन को ये दिखा रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है, किसान के फेवर में कुछ नहीं है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 को निकालने की बात हो या कई ऐसे देश के इम्पोर्टेंट मुद्दे हों जिस पर आपने बात की है और अच्छे डिसीजन लिए हैं, लेकिन वो अच्छे डिसीजन के बदले में आप कोई ऐसी कॉरपोरेट एंटिटी के आगे किसान को बेच देना चाहते हैं, तो वो किसान और एक कॉमन मैन आज नहीं सहन करेगा। उनके सपोर्ट में सर, आज इस भारत बंद में एक हमारा एक तरह से हमने ये कन्वे करने के लिए कि हम उनके साथ हैं और हमारी यही डिमांड है कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनको संतोषपूर्वक ढंग से जो है उनकी मांगों को जो है उनका निवारण किया जाए और ये जो धरना चल रहा है इसको बंद किया जाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भारत के नागरिक हैं, 75 करोड़ भारत के किसान हैं भारत में, और इस जो इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर उनको हम इस तरह से दुख में रख रहे हैं, तकलीफ में रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा अन्याय कुछ नहीं। सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे MS रंधावा एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यह देश किसानों का है और किसान मर गए तो देश भी नहीं बचेगा, इसलिए सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से किसान दिल्ली की ठंड में न्याय के लिए पीड़ा झेल रहे हैं, उनकी पीड़ा कम हो इसके लिए हम सरकार को जगाने सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं सबको अपील करना चाहता हूं कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो अगर गलत साबित हैं तो उनको रद्द किया जाए और उनके जगह पे नए कानून सबकी सलाह लेकर बनाए जाए जो कि आपके भी हित में हो और देश के भी हित में हो। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश से लोग बसे हैं आके, जिनकी जन्मभूमि अपने अपने स्टेट में है लेकिन कर्मभूमि यहाँ पर है, और कर्मभूमि में आके 5-5 जनरेशन यहाँ पर बस चुकी है, और पहले हम किसान हैं, बाद में हम अपने अपने कार्य जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और जो गवर्नमेंट BJP की जो मोदी जी बनी है वो पब्लिक की बनाई है, जब पब्लिक को गवर्नमेंट नहीं देखेगी तो गवर्नमेंट को पब्लिक क्यों देखेगी? ये जो किसान है शांतमयी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब भी शांतमयी प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके इतनी तकलीफें हैं, सर्दी के अंदर बैठे हैं फिर भी काम कर रहे हैं और शांतमयी से बात कर रहे हैं। ये जो तरीका है गवर्नमेंट को भी अपनाना चाहिए, वहाँ पर इतनी मिलिट्री पुलिस सब इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, शांतमयी से बात करेंगे तो सही हल होगा, और अपनी जीत पे ईगो पे नहीं रहना चाहिए, बात को समझना चाहिए। जैसे कि
किसान वहाँ बैठे हैं, उनकी माताएं वहाँ बैठी हैं और उनके बच्चे सरहद पे लड़ रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई BSF में है, देश की सेवा कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे माँ बाप को तकलीफ है और हम अपनी ड्यूटी नहीं करें, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मीडिया भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, सब जगह अपना छोड़ के बैठे हैं, उधर सर्दी के अंदर मीडिया भी बैठा है। तो सबकी तकलीफें दूर करने के लिए किसान का हल निकालना ज़रूरी है, और अगर ये शांति में इसे नहीं हुआ तो फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो मोदी जी सबको भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।